नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका नाम है राज सिंटू कुमार पे। दोस्तों, हम देखने वाले आज हैं कि प्रोसेस का पाइप फिटअप कैसे होता है। रोबी फ्लांज रिड्यूसर्स सब हमने देख रहे हैं, सब कुछ है। अब तो इसका फिटअप कैसे होता है मैं दिखाने वाला आप लोग को हूँ मैं आज। तो देखिए दोस्तों, अभी ये जॉइंट रबर रेडी हो चुका है, पर फिर भी आपको फ्लांज दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे फिर फ्लांज रेडी कर रहे हैं लोग, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, अभी फर्स्ट में लग गया, एक पीस लगा हुआ है 2 इंची का, उसके बाद में लगा हुआ है 4 इंची का, जिसको बोलते हैं रेड्यूसर, 2 इंची बाय 4 इंची, उसके बाद दोस्तों 4 इंची बाय 6 इंची लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, उसको बोलते हैं रेड्यूसर। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों लगा हुआ है एक पीस लगा हुआ है, उसके बाद दोस्तों फ्लांज लगा हुआ है। तो दोस्तों फ्लांज के बाद दोस्तों फ्लांज फ्लांज फिटअप हो रहा है इस टाइम में, क्योंकि ये सब पूरा फिटअप होकर रेडी हो गया है, तो उसके बाद में फिटअप हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये मार्किंग हो रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसको जॉइंट को टैकिंग लेना है, इसकी वजह से मार्किंग कर रहे हैं ताकि वो इधर उधर जॉइंट ना जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी मार्किंग करके देखो दोस्तों, इसका 90 चेकिंग हो रहा है, 90 चेक करके उसके बाद में फिर इसमें और आगे कुछ देखिए, 90 चेक करके वो फिर टैकिंग लेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, 90 चेकिंग हो रहा है अभी, क्योंकि 90 चेक करने से ये फ़ायदा होता है कि मेरा, तो दोस्तों 90 चेक करने से ये फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा इससे कि मेरा फ्लांज टेढ़ा तो नहीं है ना, ये मालूम पड़ेगा इससे। तो देखिए दोस्तों, अभी देखते हैं दोस्तों, ऊपर टैकिंग लगने वाला ऊपर है, तो ऊपर टैकिंग लग रहा है, तो उसके लिए ही 90 चेक किया गया, सब कुछ चेक किया गया उसके लिए। देखिए दोस्तों, टका लगने के बाद में फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, नीचे में वो चेक कर रहे हैं, वो टेप लगा के चेक कर रहे हैं ताकि वो कितना हमें 8 mm चाहिए तो 8 mm ही आएगा ऊपर में, अगर ऊपर नीचे अगर 4 बॉल 8 mm है तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 mm 5 mm जितना भी चाहिए उसके हिसाब से ही पूरा ऊपर नीचे 4 बॉल चाहिए उतना ही है। देखिए दोस्तों, ये वाला एक पीस लग गया है, लेकिन ये वाला पीस में भी नहीं है, तो इसके दिखा रहा था मैं कि भाई इसमें भी तो नहीं मारा है आपने, तो भी थोड़ा मार के दे दो इसमें से थोड़ा, क्योंकि वेल्डिंग मारना हम लोग को ही है इसमें, तो वेल्डिंग मारना है अगर तो फिर इसमें भी जो है इसमें भी नहीं था, इसके लिए मैंने बता रहा था भाई सूत्र भी मार दो। तो देखिए दोस्तों, ये 2 इंच का जो पीस है वो लगा हुआ है, बाद में फिर इधर रिड्यूसर लगा हुआ है 4 इंची का, 4 इंची बाय 2 इंची का, उसके बाद दोस्तों फिर 6 इंची बाय 4 इंची का लगा हुआ है रिड्यूसर इसमें। तो ये दोस्तों फिटअप रेडी हो गया ऑलरेडी। देखिए दोस्तों इसमें, लंबा लंबा स्पूल नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी लेकिन मतलब इसमें ज़्यादा पीस जुड़ा हुआ है, रेड्यूसर एल रेड्यूसर दो दो रेड्यूसर जुड़ा हुआ है, एक पीस जुड़ा हुआ है 2 इंच का, एक जुड़ा हुआ है 6 इंच का इसके, और एक जुड़ा हुआ है फ्लांज, इसके लिए मैं थोड़ा ही पीस को थोड़ा इसको मैं इसको सोचा मैं ले लूँ इसमें वीडियो में, थोड़ा इसको अच्छा रहेगा, जिसको जानकारी नहीं होगा उसको जानकारी मिलेगा, इसके लिए मैं इस पर्पज़ के मैं इसको वीडियो बना रहा था मैं, तो इससे आपको भी जानकारी मिलेगा और बाकी लोग जो भी हैं उसको भी जानकारी मिलेगा, इससे ये फ़ायदा रहेगा। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों इसमें जो वो जो देख रहे हैं आप, उसमें देख रहे हैं जो है इसमें आप जो जो इसमें ये गैप रॉड जो लगाया हुआ है, तो इसके लिए लगाया हुआ है गैप रॉड वो, ताकि वो उससे मालूम पड़े आपको कि हमको गैप मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि 4 बॉल फिर उसमें गैप भी चाहिए उसमें, तो उसके लिए गैप भी चाहिए अगर, तो फिर वो गैप सब में देना पड़ेगा उसमें। देखो दोस्तों, यहाँ इसके लिए दोस्तों मामला फंस गया यहाँ पे, क्योंकि मैं बता दिया सबको कि भाई गारंटी नहीं हुआ है, ये 2 इंची की भी गारंटी नहीं किया आप लोग, ये भी गारंटी नहीं किए हैं, बाद में फिर ये भी नीचे भी गारंटी नहीं किया, इसके लिए मैं सबको मैं बोला फिर से वापस गारंटी करो भाई, इसके वजह से वो मामला फंस गया यहाँ पर, तो इसके वजह से फिर वो जब रुक गया थोड़ा टाइम के लिए। तो दोस्तों गारंटी करना बहुत ज़रूरी होता है, हर एक जगह पर गारंटी करके मतलब क्लीन करके काम करना ही है, क्योंकि आपको सेफ्टी फर्स्ट है। इसके देखिए इसके लिए देखते हैं गेंडर मैन आया था इसको, सोचा मार देता हूँ थोड़ा उसको, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो दोस्तों जॉइंट के लिए मैं दिखा रहा था, लेकिन ये दो जॉइंट लगता है जॉइंट होने वाला है अभी इस टाइम में, तो जॉइंट को ये जॉइंट को ग्राइंडिंग करके बाद में फिर से आगे कुछ होने वाला है। तो मैं बोल रहा था इसको छोड़ दो भाई, उसको बाद में कर लो, बाद में फिटअप रेडी कर लो पहले आप लोग, तो फिटअप रेडी करने के लिए अभी फिर से वो तैयार होंगे वो लोग। तो देखो दोस्तों, वही सब बात हो रहा है कि इसको काटना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, उसको जो करना पड़ेगा, वही सब हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 इंची का पीस है, तो 2 इंची में भी इसमें भी शायद गेंड नहीं किया, उसमें भी नहीं मरा हुआ है, तो वही बता रहा था मैं, देखिए इसमें भी नहीं मरा हुआ है।
बाकी इसमें, बाकी इसमें देख ली, बाकी इसमें भी जो गेंडिंग जो एज है वो सही, वो भी सही है। गैप भी जो है वो भी सही है, गैप में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली उन्हें गेंडिंग नहीं किया लोग, इसकी वजह से मामला फंस गया। तो क्या दोस्तों, नो प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है, ऐसे होते रहता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग को ये फ्लांच है, फ्लांच में हम लोग को ये, इसमें हम लोग को 8 mm गैप देना है, कम से कम 8 mm, 5 mm, जिसे जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से वेल्डिंग भी अंदर मारना होता है। तो वेल्डिंग मारना है अगर, तो फिर उसको अब देख लीजिए कितना गैप देना है। तो फिटर काम है देखने का, फिटर लोग देख लेते हैं कितना गैप देना है नहीं देना है, तो फिर आपसे उसमें गैप दिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम 8 mm ही गैप दिया जाता है अक्सर करके उसमें। तो घुमा के दोस्तों चेक हो रहा है उसमें कि यहाँ कहाँ बाकी उसमें गेंडिंग है। तो जो टका लगा उसमें थोड़ा गेंडिंग थोड़ा मार दे रहे हैं उसमें। देखिए दोस्तों, फ्लांच हो गया, देखिए पीस हो गया, सब एक एल्बो हो गया, फिर एक पीस, फिर एक फ्लांच, फिर एक पीस, उसके बाद दोस्तों फिर से एक पीस, और उसके बाद फिर से एक एक दो जॉइंट है, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, उसको 5 मिनट छोड़ दे, 5 मिनट आए थे, आठवा सौ सतमा, आठवा हो गए 9 जॉइंट, नंबर जॉइंट इतना जॉइंट तो इसमें है, इसमें रेडी हो गया, रेडी हो गया ऑलरेडी, बस बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हो गया जॉइंट। दोस्तों वीडियो बनेगा तो दोस्तों मैं दिखा दूँगा आपको ये जॉइंट फिटर भी, मतलब बिल्डिंग भी कैसे हुआ है वो भी दिखा दूँगा मैं आपको। तो दोस्तों अच्छा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे, देखिए दोस्तों इन्जॉय करते रहिए वीडियो को। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है, दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो दोस्तों अच्छा लगा, दोस्तों अगर लग रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके दोस्तों चैनल को ऑल मार्क में चेक कर दीजिए। दोस्तों मैं नया वीडियो जैसे डालू मैं अगर आपको वो वीडियो आप 10 बार मिलते रहे आपको। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे नया वीडियो मैं लगता हूँ आपको लगने के लिए। दोस्तों दोस्तों करते हैं, दोस्तों मिलते हैं, दोस्तों नमस्कार।